तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है फिल्टर मीडिया कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी फिल्टर के इनसाइड में जो मीडिया यूज होता है, चाहे फ्रेंड्स वो हमारा ड्यू मीडिया फिल्टर हो, या एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हो, या मल्टीग्रेड फिल्टर हो, चाहे SS फिल्टर यानी कि साइड स्ट्रीम फिल्टर हो, या प्रेशर सैंड फिल्टर हो, कोई भी फिल्टर हो, उसके इनसाइड में जो मीडिया भरा हुआ रहता है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है कि कितना क्वांटिटी में मीडिया का जरूरत पड़ेगा। अगर हमारे पास इसका कैलकुलेशन अवेलेबल है तो एग्जैक्ट क्वांटिटी में मीडिया को परचेज करने के लिए हम लोग ऑर्डर दे सकते हैं कि इतना क्वांटिटी में हम लोग को पीबल्स का जरूरत है, इतना हमारा ग्रेवल्स लगेगा, या इतना हमारा सिलिका सैंड लगेगा, या अगर हमारा एक्टिवेटेड कार्बन बेड है तो इसमें इतना क्वांटिटी में एक्टिवेटेड कार्बन बेड यानी एंथ्रासाइट बेड का जरूरत पड़ेगा। तो आज इसी कैलकुलेशन के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि इसका क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि किसी भी फिल्टर के इनसाइड में भरे हुए मीडिया का क्वांटिटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा मल्टीग्रेड फिल्टर का डायग्राम बना है। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किए थे कि हमारा मल्टीग्रेड फिल्टर हो, या ड्यूल मीडिया फिल्टर हो, या हमारा PSF हो यानी कि प्रेशर सैंड फिल्टर हो, या एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हो, या SS फिल्टर यानी साइड स्ट्रीम फिल्टर हो, कैसे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, या उसके इनसाइड में यानी किसी भी फिल्टर के इनसाइड में क्या भरा हुआ रहता है, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो इन सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यह पता चल जाएगा कि किसी भी फिल्टर के इनसाइड में क्या भरा हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग मल्टीग्रेड फिल्टर वाले वीडियो में डिस्कस किए थे कि हमारा सबसे नीचे 1.5 से लेकर के 2 इंच तक का पीबल्स भरा रहता है, इसके बाद 1 इंच का पीबल्स भरा रहता है, इसके बाद हमारा ग्रेवल्स होता है जिसका साइज 0.5 इंच होता है, और इसके ऊपर हमारा कोर सिलेक्स होता है जिसका साइज 6 to 8 mm होता है, और इसके ऊपर हमारा ये जो ब्लू कलर दिख रहा है, ये है हमारा फाइन सिलेक्स जिसका साइज होता है 4 to 6 mm, एंड इसके ऊपर जस्ट हमारा होता है सिलिका सैंड जिसका साइज होता है 0.4 to 1 mm। तो उम्मीद करता हूं ये जो भी मीडिया भरा हुआ है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि इसका क्वांटिटी कितना होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको आउटर केस दिख रहा है, ये क्या है, हमारा फिल्टर है, और इस फिल्टर का जो डाया दिया हुआ है यानी डायमीटर जो दिया हुआ है वो कितना है, 2.2 मीटर यानी कि 2200 mm इसका डायमीटर दिया हुआ है, और इस फिल्टर का हाइट कितना दिया है, तो 2 मीटर यानी कि 2000 mm इसका हाइट दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो हम लोग का सिलेंड्रिकल सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल सेल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और यहां पे डी है, डायमीटर है, तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2R होता है, ठीक है। तो R अगर आपको निकालना है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई 2 यानी कि 2.2 डिवाइड 2 हो जाएगा, यानी ये हमारा आ जाएगा 1.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूला में रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, पाई इंटू 1.1 का स्क्वायर इंटू एच कितना है हमारा, 2 मीटर है, तो आप 2 मीटर कर दीजिए, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, फाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.14 इंटू 1.1 का स्क्वायर इंटू 2। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, अभी हम लोग देख लेते हैं, 3.14 इंटू 1.1 का स्क्वायर इंटू 2, तो हमारा वैल्यू आ रहा है 7.5988, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी कि MQ। तो हम लोग यहां पे कैलकुलेट कर लिए कि इस सिलेंड्रिकल सेल का वॉल्यूम कितना है, तो 7.5988 MQ है। अगर हम लोग को यह कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस सिलेंड्रिकल सेल में टोटल पानी कितना आ सकता है,
यानी कि इसके अंदर टोटल पानी फिल करेंगे तो इसका क्वांटिटी कितना हो सकता है। तो हम लोग को अगर इसका पानी का क्वांटिटी निकालना है तो हम लोग को सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम है उसमें वाटर का डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी कितना होता है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 लीटर पर एम क्यूब, यानी 1 एमक्यू कंटेनर का वॉल्यूम के इनसाइड में पानी कितना आ रहा है, तो 1000 लीटर आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग को निकालना है कि 7.5988 एमक्यू कंटेनर के इनसाइड में कितना पानी आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7.5988 × 1000, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 7598.8, ये क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, यानी कि 7598.8 लीटर इसके अंदर पानी आएगा। यहां पे हम लोग देख लिए कि अगर वाटर का क्वांटिटी निकालना है तो वाटर का डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली अगर हम लोग को इसके अंदर मीडिया का क्वांटिटी कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, मीडिया का डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। जो यहां पर हम लोग वाटर का डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जो मीडिया का डेंसिटी है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमारा मीडिया का क्वांटिटी का जरूरत कितना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि इस फिल्टर के इनसाइड में फुल्ली मीडिया भरा हुआ नहीं रहता है, बल्कि इसमें टोटल वॉल्यूम का 60% ही केवल हमारा मीडिया रहता है। स्पेस कम होने की वजह से इसके नीचे वाला मैं इरेज कर दिया हूं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम फॉर मीडिया, तो वॉल्यूम फॉर मीडिया कितना होता है, तो हमारा टोटल वॉल्यूम का 60% होता है, 60%। तो हम लोग का इसका 60% अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 7.5988 का 60%, यानी कि 60 डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा 60% आ जाएगा। तो इसका कितना आ रहा है, 7.5988 × डायरेक्ट 0.6 कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 4.556, ये क्या हो जाएगा, हमारा एम क्यूब हो जाएगा। हमारा वैल्यू कितना आ गया, 4.556 एम क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हम लोगों का सिलेंड्रिकल सेल है इसका टोटल वॉल्यूम है 7.59, यानी कि 7.6 एम क्यूब टोटल वॉल्यूम है, बट इसके अंदर जो हमारा मीडिया बेड होगा वो कितना होगा, केवल 4.5 एम क्यूब वॉल्यूम के अंदर ही ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि 4.5 वॉल्यूम में टोटल हमारा बेड फिल रहेगा। और फ्रेंड्स एक चीज हम लोग जानते हैं कि किसी भी फिल्टर के इनसाइड में दो बेड यूज होता है, एक होता है फ्रेंड्स हमारा सपोर्टिंग बेड और दूसरा होता है हमारा मीडिया बेड। सपोर्टिंग बेड का काम होता है कि जो बेड, जो मीडिया बेड है उसको सपोर्ट करना, उसके ऊपर मतलब सपोर्टिंग बेड के ऊपर ही हमारा मीडिया बेड को रखा जाता है ताकि हमारा जो मीडिया बेड है वो बाहर पानी के साथ बहे नहीं। तो देखिए यहां पे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये जो रेड वाला, ये क्या है, हमारा पिबल्स है जिसका साइज 1.5 इंच से लेकर के 2 इंच है, और इसके ऊपर जस्ट हम एक और पिबल्स रखे हैं जिसका साइज 1 इंच है, और इसके ऊपर जो हमारा ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है ये है हमारा ग्रेवल जिसका साइज है 0.5 इंच, और इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग बेड। ठीक है, ये हम लोग का मेनली छानने का काम नहीं करता, ये मेन इस बेड को सपोर्ट करने का काम करता है, और इसके ऊपर जो भी बेड रहता है वो हमारा रहता है मीडिया बेड। तो किसी भी फिल्टर के इनसाइड में, चाहे हमारा एक्टिवेटेड कार्बन बेड हो, चाहे साइड स्ट्रीम फिल्टर हो, चाहे हमारा प्रेशर सैंड फिल्टर हो, या हमारा ड्यू मीडिया फिल्टर हो, उसमें हमारा सपोर्टिंग बेड होता ही है, और इतना हाइट तक हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि पीबल्स और ग्रेवल्स तक हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग बेड रहते हैं, और इसके ऊपर जो भी हमारा बेड होगा वो होता है हमारा मीडिया बेड, और यही बेड मेनली पानी के अंदर का जो इंप्यूरिटीज है उसको ट्रैप करने का काम करता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो हम लोग का मीडिया बेड होता है इस सपोर्टिंग बेड से कभी भी ज्यादा यूज होता है, चाहे हमारा कोई भी फिल्टर हो, चाहे मान लीजिए हमारा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हो, साइड स्ट्रीम फिल्टर हो, मल्टीग्रेड फिल्टर हो, या हमारा प्रेशर सैंड फिल्टर हो, या ड्यूल मीडिया फिल्टर हो, किसी भी फिल्टर के इनसाइड में जो सपोर्टिंग बेड होता है इस मीडिया बेड से कम ही होता है। लगभग इसका रेशो देखा जाता है 60-40 का रेशो होता है, यानी कि 60% हमारा मीडिया बेड होता है और 40% हमारा सपोर्टिंग बेड होता है। यानी कि सबसे पहले इस बेड का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, और इसका वॉल्यूम होता है टोटल वॉल्यूम का 60%, जिसका वैल्यू आ गया हमारा 4.556 एम क्यूब, और इस वॉल्यूम का 60% होता है हमारा मीडिया बेड। तो इसका 60% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 4.556
का 60% अगर निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आ जा रहा है 2.733, ये क्या हो जाएगा, एम क्यूब हो जाएगा। और 40% होता है हमारा सपोर्टिंग वेट, तो इसका अगर 40% आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.556 × 40%, तो इसका वैल्यू आ जा रहा है 1.822 m³। यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर लिए कि 2.733 m³ में मीडिया बेड फील होगा और 1.822 m³ में सपोर्टिंग बेड फील होगा। अब हम लोग को यहां पे निकालना है कि सपोर्टिंग बेड का क्वांटिटी कितना होना चाहिए या मीडिया बेड का क्वांटिटी कितना होना चाहिए। तो अभी हम लोग यहां पे देखे थे कि वाटर का क्वांटिटी कैसे निकाले थे, तो हम लोग का टोटल वॉल्यूम में वाटर का डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो हमारा टोटल वाटर क्वांटिटी इनसाइड द सिलेंड्रिकल सेल हम लोग को पता चल गया था। सिमिलरली हम लोग को यह पता करना है कि हमारा मीडिया बेड कितना लगेगा या सपोर्टिंग बेड कितना लगेगा, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो मीडिया बेड यूज कर रहे हैं उसका डेंसिटी कितना है या सपोर्टिंग बेड जो यूज कर रहे हैं इसका डेंसिटी कितना है। ठीक है, तो जो हम लोग को देखा जाता है कि जो पीबल्स यूज करते हैं इसका डेंसिटी हम लोग का मिलता है, यानी डेंसिटी ऑफ पीबल्स लगभग होता है हमारा 1900 केजी पर एम क्यूब होता है। और ये जो हमारा ग्रेवल्स होता है, यानी डेंसिटी ऑफ ग्रेवल्स अगर देखा जाए तो इसका होता है 1700 केजी पर एम क्यूब। और इन दोनों का एवरेज अगर हम लोग लेंगे तो लगभग हम लोग लेके चलते हैं 1800 केजी पर एम क्यूब। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया कि हम लोग जो यहां पे मीडिया यूज कर रहे हैं इसका डेंसिटी कितना है, 1800 केजी पर एम क्यूब है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें 1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सपोर्टिंग बेड का क्वांटिटी निकल के आ जाएगा, यानी कि 1.822 × 1800। तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, 3279.6, ये क्या हो जाएगा, हमारा केजी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको निकालना है कि हमारा जो मीडिया बेड है इसका क्वांटिटी अगर निकालना है, तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि ये जो हम लोग का सैंड यूज करते हैं, यानी कि डेंसिटी ऑफ सैंड जो है इसका होता है लगभग हमारा 1500 केजी पर एम क्यूब। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि इसका डेंसिटी इतना है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2.733 × क्या हो जाएगा, 1500। डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग का वैल्यू आ जाता है, तो कितना आ रहा है, 4099.5, ये क्या हो जाएगा, हमारा केजी हो जाएगा। यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर लिए कि मीडिया बेड का क्वांटिटी कितना लग रहा है, तो 4099.5 केजी, एंड सपोर्टिंग बेड का क्वांटिटी कितना लग रहा है, तो 3289.6 केजी। अगर हम लोग को टोटल बेड का क्वांटिटी कैलकुलेट करना है तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4099.5 प्लस कर देना है 3279.6 है, तो इसका वैल्यू आ जा रहा है 7379.1 केजी। तो यहां पर हम निकाल लिए कि टोटल जो बेड यूज कर रहे हैं उसका क्वांटिटी कितना केजी लगेगा, तो 7379.1 केजी लग रहा है। अब हम लोग को यदि निकालना हो कि जो हमारा पीबल्स है 1.5 से लेकर के 2 इंच तक का पीबल्स है, इसका क्वांटिटी अगर आपको पार्टिकुलर निकालना है तो आपको कैसे निकालेंगे, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये निकालना, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए कि टोटल वॉल्यूम का हम लोग 60% क्या कर रहे हैं, मीडिया यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल हाइट का हमारा क्या हो जाएगा, 60%, तो टोटल हाइट कितना है, 2 मीटर। और जब हम लोग इसका 60% निकालेंगे तो लगभग आ जाएगा हमारा 1.2 मीटर। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सपोर्टिंग बेड यूज होता है वो हमारा 40% होता है और मीडिया बेड हमारा 60% होता है, यानी 1.2 का 40% अगर निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आ जा रहा है 0.48। ठीक है, ये मीटर हो जाएगा, यानी कि लगभग हमारा कितना हो जाएगा, 480 mm हो जाएगा। अगर मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो इतना हो जाएगा, और 1.2 का 60% निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आ जा रहा है 0.72 मीटर, यानी कि 720 mm हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या किया हूं, 150 150 150, यानी लगभग हम 450 mm यूज किए हैं। अप्रोक्स कितना होना चाहिए,
480 mm होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे 450 लिया हूँ और इधर हमारा है 750। तो इस 450 में हम लोग तीन मीडिया यूज कर रहे हैं, तीन चीज यूज कर रहे हैं, यानी कि पीबल्स यूज कर रहे हैं डिफरेंट साइज का, ग्रेवल्स यूज कर रहे हैं, तो इनको तीनों में डिवाइड कर देंगे तो लगभग हमारा 150 150 150 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा 750 है तो इसको हम लोग क्या किए हैं, कोर सिलेक्स को 200 कर दिए हैं, फाइन सिलेक्स को 200 कर दिए हैं, और जो हमारा सिलिका सैंड होता है इसका क्वांटिटी ज्यादा होता है तो इसको हम लोग 350 mm कर दिए हैं। तो इस तरह से आप इसका हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना हाइट हम लोग अप्रोक्स देते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये हाइट वाला आपका समझ में आ गया होगा। अब यदि आपको निकालना हो कि हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी में पीबल्स जिसका साइज 1.5 इंच से लेकर के 2 इंच है इसका क्वांटिटी कितना लगेगा, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये जो हम लोग का पीबल्स है इसका पहले आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो मैं इसको यहां पे इरेज कर रहा हूं, एक चीज बता दे रहा हूं आपको पूरा उसके बाद क्लियर हो ही जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां पे पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14 इनटू आर का वैल्यू यहां पे क्या है 1.1 ही है इनटू एच कितना है, एच देखिए यहां पे हमारा कितना आ रहा है 150 mm है, तो इसको मीटर में करेंगे तो 0.150 हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहां पे वॉल्यूम निकल जाएगा कि हमारा इतना वॉल्यूम है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 3.14 इंटू 1.1 का स्क्वायर इंटू 0.15, ठीक है। तो हमारा वैल्यू आ जा रहा है 0.5699, ये क्या आ जाएगा हमारा एम क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारा पीबल्स है इसका वॉल्यूम इतना आ गया। अब इसका क्वांटिटी अगर निकालना है तो कैसे करेंगे कि इस पीबल्स का हमारा डेंसिटी कितना है, तो डेंसिटी है 1900, यानी कि 0.5699 इनटू 1900 आप कर देंगे तो आपका क्वांटिटी निकल जाएगा इनटू 1900, तो हमारा वैल्यू आ जा रहा है 1082.8 kg। तो यहां पे हम लोग निकाल लिए कि ये जो हमारा पीबल्स है जिसका साइज 1.5 इंच से लेकर के 2 इंच है इसका हमारा कितना क्वांटिटी एग्जैक्ट क्वांटिटी आ गया, तो 1082। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी का ऑर्डर कर सकते हैं कि इतना क्वांटिटी का हमारा बड़े साइज वाला पीपल चाहिए। सिमिलरली आपको अगर ये वाला निकालना है तो इसका भी आप पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसका वॉल्यूम के लिए वही पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ये वॉल्यूम तो लगभग इतना ही आएगा क्योंकि तीनों का हाइट इतना ही, इतना निकाल दीजिए। और अगर जैसे हमारा ग्रेबल्स है, ग्रेवल्स का डेंसिटी कितना है 1700 से है, तो यहाँ पे जो 1900 मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पे आपको 1700 देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप इसका देख रहे हैं तो इसका पहले वॉल्यूम निकालेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका एच कितना है 200, तो यहाँ पे 0.2 लिखना है आपको, तो वॉल्यूम आ जाएगा। और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, तो इसका जो डेंसिटी, डेंसिटी कितना है 1500 से। सिमिलरली आप 350 हाइट वाले भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपको 0.350 लिखना है, वॉल्यूम निकल जाएगा। उसके बाद इसका डेंसिटी कितना है 1500 से, तो आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी निकल जाएगा कि सिलिका सैंड का क्वांटिटी कितना लगेगा, फाइन सिलेक्स का क्वांटिटी कितना लगेगा, कोर सिलेक्स का क्वांटिटी कितना लगेगा, ग्रेवल्स पीबल्स या डिफरेंट साइज का जो पीबल्स है उसका क्वांटिटी कितना लगेगा। फ्रेंड्स ये हुआ ऑल अबाउट मीडिया बेड कैलकुलेशन के बारे में, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।